पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यह पौधा पत्ती से ग्रो हो जाता है? तो सबसे पहले मैं यही डिस्कस करती हूँ कि ये देखिए, ये मैंने पत्तियों से ग्रो किया है, जड़ें इसमें आ गई हैं और ये पत्ती स्टेम के साथ नहीं है। जैसे कि मनी प्लांट की पत्ती में हम नोड एरिया के साथ में पत्ती को लेते हैं, उस तरह से इसको नहीं लिया गया है। केवल पत्ती को हमने डंडी से तोड़कर अलग किया है, स्टेम उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं थी। इस मार्क की जगह से ही मैंने इसको पत्ती को अलग किया था। चलिए अब मैं बताती हूँ अपने इस प्लांट की जर्नी के बारे में, इसे मैंने कैसे कैसे ट्रीट किया है, कैसे कैसे इसको लगाया है। देखने में ये आपको सूखा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी आगे देखिए ये कितना हरा भरा था। ये प्लांट मैं अक्टूबर में लेकर आई थी और अब मैं इसे रिपोर्ट करते करते मैं इसके बारे में बताती हूँ। इसे मैं लेकर आई थी अक्टूबर के मंथ में। मैंने सोचा था कि ये स्पॉट में लगा हुआ आया है तो मुझे इसको चेंज नहीं करना है। जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी उससे पहले मैं इसमें कुछ ग्रोथ देखूँगी, तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था। जैसे कि नए प्लांट्स को लेकर आते हैं उसकी केयर होती है कि हम उसे धूप में नहीं रखते हैं, तो मैंने अक्टूबर में इसे धूप में नहीं रखा, ऐसे ही पॉट में रख दिया था अपनी बालकनी के ऐसे कोने में जहां धूप नहीं आती है। थोड़े दिन बाद जैसे ही अक्टूबर निकला, नवंबर में सर्दियां शुरू हो गई, मैंने सोचा कि कुछ ग्रोथ नज़र आएगी उसके बाद मैं सोचती हूँ इसके बारे में रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर भी पूरा निकल गया और दिसंबर आ गया। अब दिसंबर के महीने में बहुत ठंड होती है और जनवरी के महीने में, उस समय पर यदि ग्रोथ हो भी जाती है तब भी मैं रिपोर्ट नहीं कर सकती थी। तो मैंने इस प्लांट को ऐसे ही रखा, उसके बाद मैंने इसको धूप में रखना शुरू कर दिया जब विंटर शुरू हो गई। लेकिन इस पौधे में मुझे कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आई। मैंने देखा कि इस प्लांट के नीचे से कुछ जड़ें निकली हुई हैं, तो मुझे लगा शायद ये पौधा रूट बाउंड है इसलिए ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही फरवरी आया, फरवरी के एंड में मैंने इसको रिपोर्ट करने का सोचा और अब मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। फरवरी के मंथ में जैसे ही मैंने इसको रिपोर्ट किया, इस प्लांट के नीचे की कुछ पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो गई। जब ये पत्तियाँ नीचे की पीली होनी शुरू हो गई तो मुझे डर लगा कि कहीं ये पौधा ख़राब ना हो जाए। तो मैंने क्या किया, ऊपर से इस पौधे को कट किया और उसकी एक स्टेम मैंने कटिंग के तौर पर लगा दी। लेकिन जब उस स्टेम को मैंने कट किया था तो उसमें से कुछ 4-5-6 पत्तियाँ निकली, क्योंकि नीचे से हमें स्टेम को खाली करना होता है, इसलिए मैंने वो पत्तियाँ निकाली। वो पत्तियाँ सारी हरी भरी थीं। उन सभी पत्तियों को मैंने एक खाली डब्बे में होल करके थोड़ा सा कोकोपीट डालकर और सारी पत्तियों को मैंने साइड बाय साइड करके रख दिया, जो मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया था। उनको कुछ पत्तियां मैं हर हफ्ते निकाल कर देखती रही, लेकिन उसमें कोई भी जड़ें नहीं आई। लेकिन अब जैसे ही मार्च का महीना आया, उसमें जो सबसे नीचे वाली पत्ती थी, जब मैंने सोचा कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये सब झूठ है कि पत्तियों में जड़ें आती हैं पौधा बनता है, तो जैसे ही मैंने नीचे की पत्ती निकाली उसमें इतनी सारी जड़ें थी जो साइड में दिखाई दे रही होंगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसे ओनली कोकोपीट में लगाया था। आप इसे लगाना चाहें तो कोकोपीट में बहुत जल्दी से रिजल्ट आ जाते हैं। मिट्टी में लगाते हैं तो मौसम गर्मी तेज़ होने की वजह से ये पत्तियां ख़राब भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि पत्ती से ये पौधा ग्रो हो जाता है, वो भी बिना स्टेम के, खाली सिर्फ और सिर्फ पत्ती से। लेकिन जब रिपोर्ट करने के बाद जो डर मेरे मन में था कि इस प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही पत्तियां पीली होकर गिरी हैं तो ये पौधा भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे मैंने रखा छत पर, ऐसी जगह जहाँ पर हल्की 1 घंटे की मॉर्निंग की धूप आती है, जब सूरज निकलता है तो सीधी इसी पर धूप आती है, वो भी सिर्फ 1 घंटे की। तो छत पर रखने का मुझे एक फ़ायदा नज़र आया कि हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी से सूख जाती है, उसमें मिट्टी सूखने में टाइम नहीं लगता और हमारा पौधा ओवर वाटरिंग से बच जाता है, और हल्की धूप भी इसको मिलती रही, और धूप और वाटर का बैलेंस अच्छा बनने की वजह से ये प्लांट हमारा ख़राब नहीं हुआ। और उसके बाद में मुझे थोड़े दिन बाद उसमें कुछ ग्रोथ नज़र आई और ये पौधा भी मेरा सक्सेसफुली ग्रो हो गया है। तो जब हमारा प्लांट इस तरह ग्रो होता है तो बहुत ही खुशी होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लेकिन मेरे पौधा नीचे से बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि नीचे की पुरानी पत्तियां होंगी वो पीली होकर झड़ गई थी, उनको मैंने निकाल दिया। इससे ये क्लियर है कि हमारे पौधे को 1-2 घंटे की धूप चाहिए, वो भी थोड़े ठंडे मौसम में। यदि बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है तो उस समय पर तो किसी भी पौधे को धूप से बचाना होता है।
वो आउटडोर हो या इंडोर हो, पानी सबको मिट्टी सूखने के बाद ही देना है। लेकिन फ़ायदा ये होता है, छत पर थोड़ी हवा ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा मौसम ड्राई होता है, हवा की वजह से मिट्टी जल्दी सूख जाती है और हमारे पौधे ज़्यादातर अच्छे रहते हैं। ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जो भी मैं पौधा नीचे बालकनी से उठाकर छत पर लाई, वो मेरे अच्छे चलने लगे पहले के अकॉर्डिंग। दो प्लांट तो मेरे सक्सेस हो गए, लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, वो है कटिंग, जो मैंने यहाँ से की थी। यहाँ से मैंने स्टेम को कट किया था और दूसरे पॉट में लगा दिया था। इसकी जो स्टेम थी, उसके नीचे से मैंने पत्तियाँ निकाली थी, वही पत्तियाँ मैंने डब्बे में डाली थी कोकोपीट में, और वाटरिंग का ध्यान रखा था, लेकिन उसे मैंने धूप में नहीं रखा था। ये जब मैंने स्टेम लगाई तो इसमें मैंने दो पत्तियाँ छोड़ दी थी, जिससे कि आगे की ग्रोथ हो। लेकिन इसे लगाए हुए एक महीना हो चुका है और इसमें अभी तक मुझे कुछ भी ग्रोथ नहीं नज़र आई है। ये पत्तियाँ थोड़ी डल हो गई हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे इन दोनों पत्तियों को कट कर देना चाहिए, ताकि ये आगे ग्रोथ करे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी एनर्जी इन पत्तियों पर ही लगा रहा है। क्योंकि स्टेम तो बिल्कुल ग्रीन है, ना तो स्टेम ख़राब हुई है और ना ही उसमें कुछ ग्रोथ नज़र आई। इन पत्तियों को मैं जब शिफ्ट करूँगी, जब मुझे इसमें से कोई पौधा निकलता नज़र आएगा, जब तक ये इसी में रहेंगी। तो आप भी ट्राई करिए, इस पौधे को अपने घर लाइए, इसको एक घंटे की धूप चाहिए तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। हफ्ते में यदि एक घंटे की धूप दे तो चलेगा, लेकिन बहुत तेज़ धूप में ये पौधा नहीं चलता है। तो इसको आप इंडोर भी मान सकते हैं और इंडोर रख भी सकते हैं। बस इंडोर के वक्त एक बात ध्यान रखनी होती है कि पानी बहुत ध्यान से देना होता है, पानी ज़्यादा ना हो जाए, अदरवाइज़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। और ये हमारे घर में बहुत ही सुंदर, कुछ डिफरेंट सा लुक क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का कलर थोड़ा अलग होता है। ये पौधा दो कलर में आता है, एक ग्रीन और एक थोड़ा ब्लैकिश, उसमें थोड़ा डार्क ग्रीन होता है। तो डार्क ग्रीन वाला पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। मैं देसी लेकर आई हूँ, इसमें हाइब्रिड भी आते हैं, तो आपको जो पसंद हो तो पहले आप ट्राई करें, तो देसी ट्राई करिए, क्योंकि देसी प्लांट बहुत ही जल्दी से सर्वाइव कर जाते हैं। तो आपको ये प्लांट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको कुछ भी फेक नहीं मिलेगा।